हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं किसी भी एलिमेंट का। कोई एलिमेंट है किसी भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में, इसका मतलब ये है कि कोई कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स है तो अगर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, वही हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले कुछ रूल देख लेते हैं। जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं वो कौन से हैं? FON, फोन। इसको ये याद रखने का एक ट्रिक है, FON, फोन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। सेकेंड पॉइंट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। सॉरी, मैंने -1 लिख दिया था। ऑक्सीडेशन स्टेट जो हाइड्रोजन का होता है वो +1 हमेशा होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज एन इंटीजर, इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमेशा एक इंटीग्रल नंबर होता है, जैसे कि 1 होगा, 2 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ऐसे होगा, ना कि ये फ्रैक्शन में होगा, जैसे 1/2, 1/3, -2/3। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है किसी भी एलिमेंट का, हमेशा क्या होता है, एक इंटीजर होता है, कोई भी इंटीग्रल नंबर होता है। अगर हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो वो हमेशा एक इंटीजर होगा। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4 कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो हमने पढ़ा ऊपर कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है हाइड्रोजन का, और कितने एटम है हाइड्रोजन के? 2। तो 2 × +1। और सल्फर का हमको निकालना है, तो सल्फर का लेट कर लेंगे x है, और सल्फर का कितना एटम है? 1 एटम है, तो 1 × x। प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? -2 होता है, और कितने एटम है? 4 एटम है, और ≡0। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? +2 − 8, कितना हो गया? x − 6 = 0। दिस इम्प्लाइज दैट x = 6। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितना होगा? 6। और आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फेरस यानी कि आयरन, इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।